देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी 17 जून शुक्रवार को मुझे जामा मस्जिद जाना है। जब उनकी जुम्मे की नमाज पूरी हो जाएगी तो वहां जामा मस्जिद मुझे जाना, मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूं। केवल कुछ सीडियां, कुछ किताबें, कुछ कंप्यूटर लेकर जाऊंगा ताकि जो इस्लाम के बारे में सच्ची जानकारी है वो मौलानाओं को दे सकूं। लगातार जान से मारने की धमकी आ रही है, लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथियों को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मौत का दिन तो माने और महादेव ने तय किया है। जिस दिन मेरी माँ चाहेंगी, महादेव चाहेंगे, उसी दिन तक मैं जिंदा हूं। जिस दिन उन्होंने मेरी मौत का समय और दिन तय करा है उससे एक सेकंड पहले ना मुझे कोई मार सकता है और उसके एक सेकंड बाद ना मुझे कोई बचा सकता है। मैं दुनिया के सारे मौलानाओं के चरणों में केवल एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। दुनिया में जितने भी फिरके हैं मुसलमानों के, सारे फिरकों के मौलाना उस दिन जामा मस्जिद जरूर पहुंचे ताकि सबसे साथ मिलकर एक ही बार में, क्योंकि मैं देखता हूं उनके बस की और तो कुछ है नहीं, केवल कुत्ते की तरह YouTube पर भौंकते रहते हैं। अब मैं खुद जामा मस्जिद आ रहा हूं। जितना भी आपका ज्ञान विज्ञान शास्त्र है सब लेकर आइए और एक दिन में ही बात को क्लियर कर लेते हैं। जो आपकी धर्म की किताबों में लिखा हुआ है उसी के लिए आप हमें तन सर से जुदा, सर तन से जुदा क्या है, फतवा देते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, हम आपके नबी की आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहे, हमारा कोई लेना देना नहीं है आपके नबी से, हम तो जिक्र नहीं करना चाहते आपके नबी का, लेकिन फिर भी जो सच है वो बोलना पड़ता है। आप लोग हमारे देवी देवताओं का इतना अपमान करते हो, झूठी बकवास करते हो, और जब हम सच बोलते हैं केवल तब आप ये बातें करते हो। तो भैया, सारे मौलानाओं, सारे इस्लाम के धर्मगुरु आपसे निवेदन है, 17 जून 2022 आपकी जुम्मा की नमाज के बाद मुझे जामा मस्जिद में मिलिए, वहीं बात होंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।